नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट टीचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। तो आइए देखते हैं पॉलीनोमियल क्या है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आपका है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल क्या है, ठीक है? तो पॉलीनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री इन फॉर्म ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड एज पॉलीनोमियल्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर इन फॉर्म ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड एज द पॉलीनोमियल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीजिए और उसमें देखिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। यहाँ पर जो है एक पॉलीनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। यहां पर क्या है, 1 है। यहां पर क्या है, 0 है। तो ये आपका क्या है, एक पॉलीनोमियल है। अगर डिग्री होल नंबर के फॉर्म में है तो ये पॉलीनोमियल है, अगर डिग्री होल नंबर के फॉर्म में नहीं है तो पॉलीनोमियल नहीं है। मान लीजिए अगर आता है 5x के पावर -3 प्लस 4 इक्वल टू 0, अब डिग्री माइनस में आ गया तो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलीनोमियल हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो अंडर रूट टी प्लस 3 अंडर रूट 2 है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 प्लस 3√2, तो यहाँ डिग्री आ गया क्या, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। सिंपल से है, पॉलीनोमियल की पहचान है कि अगर पॉलीनोमियल की डिग्री अगर होल नंबर के फॉर्म में है तो पॉलीनोमियल है, और होल नंबर के फॉर्म में नहीं है तो पॉलीनोमियल नहीं है। सिंपल से ठीक। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल पर। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। तो पहला टाइप्स होता है या तो लीनियर होगा, सेकेंड क्वाड्रेटिक एंड थर्ड क्यूबिक, फोर्थ कांस्टेंट, थर्ड जीरो, नेक्स्ट जीरो। और ये टाइप, बहुत सारे टाइप पॉलीनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसका फिक्स नहीं है। जैसे जैसे आपको डिग्री बढ़ता चला जाता है टाइप्स उसका होता जाए। अब पॉइंट आता है डिग्री, हम बार बार आपको इंडिकेशन आता है कि डिग्री क्या है और कोफिशियंट क्या है। इस चैप्टर में डिग्री और कोफिशियंट का सबसे ज़्यादा रोल है। तो डिग्री, द हाइएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द डिग्री। अगर डिग्री का जो सबसे हाइएस्ट पावर होगा, सबसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सबसे बड़ा से बड़ा पावर होगा, वो डिग्री का लाएगा। जैसे मान लीजिए कि ax स्क्वायर x प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितना है, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 तो क्या बनेगा, ये लीनियर हो जाएगा। अब हाईएस्ट पावर आपको देखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। यहां पर आ जाएगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 0, यहां पर क्या हो गया, डिग्री 3 हो गया। हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गया। अब कांस्टेंट में है c इंटू एक्स के पावर 0, आर यू का एक्स लिख सकते हैं c, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। और इस प्रकार से हम डिग्री कह सकते हैं। सबसे पहले डिग्री का डेफिनेशन जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज डिग्री। अब टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स आर देयर, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। बहुत सारे पॉलीनोमियल होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है वो टाइप्स आपको याद रखना है। तो पहले लीनियर पॉलीनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, फोर्थ कांस्टेंट पॉलीनोमियल, फिफ्थ जो है जीरो पॉलीनोमियल। अब लीनियर पॉलीनोमियल क्या है, ए पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलीनोमियल। यहां पर देखिए ax + b = 0, यहां पर डिग्री क्या है, 1 है, तो लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ए पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, हाईएस्ट जो है पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसलिए आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री नॉट डिफाइंड इज कॉल्ड एज द जीरो पॉलिनोमियल। सिंपल सी चीज है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर इन फॉर्म ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉट डिफाइंड डिग्री जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है इसके बाद कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वेरिएबल भी देखना है और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी चेंज इज कॉल्ड एज वेरिएबल। यानी वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा वैरी करती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। जितने लिटरल नंबर होता है वो सब वेरिएबल। लिटरल नंबर, यू नो, फर्स्ट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हूँ लिटरल और न्यूमेरल नंबर का। लिटरल नंबर होता है लेटर विच इज यूज फॉर ए पार्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड एज द लिटरल नंबर। जैसे ए बी सी डी, जब सोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो हम एक वेरिएबल पुट करते हैं, मान लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस। तो जितने अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं उनको जब हम एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए जब हम यूज करते हैं उसको लिटरल नंबर कहते हैं। तो जितने लिटरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। और कॉन्स्टेंट होता है द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, हमेशा फिक्स होती है। जैसे 100 रुपीज की नोट है तो हमेशा 100 रुपीज रहेगी, वो कभी 200 में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू जितना होगा वो सब जो है कॉन्स्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपका चार चीज इसमें ज्यादा याद रखना है। पहला जो है डिग्री क्या है, कोफिशियंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, चारों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छी तरह से। अब एक और आता है आपका टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको देखना है कितने टाइप के होते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है। तो इस प्रकार के मोनोमियल मीन्स होता है An algebraic expression having one term is called as the monomial. An algebraic expression having two term is called as binomial. An algebraic expression having three term is called as trinomial. An algebraic expression having two and more than two term, that is called multinomial. दो या दो से ज्यादा term बढ़ता जाएगा वो multinomial कहलाएगा। अगर चार term होगा तो भी multinomial, five term होगा, six term होगा, seven term होगा, eight term, जितने term होगा उतने multinomial, सब multinomial अंदर आएगा। मोनोमियल जैसे मान लो एक टर्म होगा तो एक्स हो गया, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया, फाइव एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री हो गया, थ्री टर्म हो गया, फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू, जो भी है आपका चार टर्म हो गया, पांच टर्म हो गया, सारे जो है आपको मल्टीनोमियल के फॉर्म में आता है। तो इस प्रकार की वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, डिग्री क्या है, कोफिशिएंट क्या है, इन सब के बारे में बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए तो आराम से आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में आपका क्या क्या क्वेश्चंस मेंशन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं। एक्सरसाइज 2.1 लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन दिया गया है 4x square minus 3x
4x² - 3x + 7 यह आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉलीनोमियल है कि नहीं है। अब इसमें हाईएस्ट देखिए, इसके डिग्री जो है हमेशा पावर जो है होल नंबर का होना चाहिए। डेफिनेशन में बताया हूँ कि पॉलीनोमियल क्या होता है, देन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। अब देखिए यहाँ पर होल नंबर 1 है, यहाँ पर 0 है, 0 1, तो इस तक क्या हो गया आपका होल नंबर का फॉर्म है, तो हम इसको पॉलीनोमियल कह सकते हैं। और एक और इसमें जैसे है थर्ड पार्ट में दिया गया है 3√2 इस प्रकार का है टी या 3t√2। अब यहां पर हमें इससे रूट का मतलब नहीं है, हमारी जो वेरिएबल है इसमें रूट नहीं होनी चाहिए। मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3t/(1/2)+3√2 और 1/2 इसका पावर है, तो 1/2 जो होल नंबर के फॉर्म में नहीं आता है, इसलिए हम इसको पॉलीनोमियल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आसान है, और देख करके आप आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि कोफिशियंट बताना है 2+x फर्स्ट पार्ट में 2+x² + x दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x² का कोफिशियंट फाइंड करना है, तो हमें कोफिशियंट फाइंड करने के डेफिनेशन याद होना चाहिए कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द कोफिशियंट। अब इसका x² का कोफिशियंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ x² = x² का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो वहां पर 1 फिक्स होता है, याद रखना है कि 1 होगा। अगर 2 है 3 है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इस प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉलीनोमियल आप लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 2 टर्म हो। तो सिंपली हमें क्या करना है कि 2 टर्म का कोई भी एक टर्म ले, x लिख लिया और 5 लिख लिया, 2 टर्म हो गया। अब इसकी डिग्री होना चाहिए 35, तो यहाँ x^35 लिख दीजिए, तो 2 टर्म हो गया, डिग्री 35 हो गया, हाईएस्ट पावर 35 हो गया, टर्म 2 हो गया, तो बाइनोमियल है और डिग्री कितने की है 35। एक इसमें और पार्ट पूछा गया है, मोनोमियल होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो, तो x लिख दीजिए, डिग्री 100 होना चाहिए, तो x से पावर 100 लिख दीजिए, बस हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, अगर अच्छी तरह से अगर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहे तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 5x³ + 4x² + 7x ये भी आपको पॉलीनोमियल है। अब इसमें केवल बताना है कि डिग्री कितना है। ठीक है, तो डिग्री का डेफिनेशन हमने आपको दिया है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द डिग्री। अब यहां पर डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। सिंपल से है, डिग्री देखिए डिग्री 3 है, 4 है, 5 है, जो भी डिग्री आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, सारे बहुत ईजी है, एक एक पार्ट अगर याद रहे तो कोई मुश्किल नहीं है। या फर्स्ट पार्ट में दिया गया है x² + x, सेकेंड x - x³, थर्ड 1+x, इस तरह। अब इसमें सिर्फ पूछा गया है कि आप बताइए इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, तो हमें डिग्री देख करके ही बता सकते हैं। डिग्री यहां पर 2 है, डिग्री = 2। अगर डिग्री 2 है तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, या डिग्री 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक। तो यहां सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहां पर होगा आपका क्वाड्रेटिक, या हो जाएगा क्यूबिक, या हो जाएगा लीनियर, इस तरह। क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमारे समझ से ये पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। फर्स्ट वीडियो में आपको मिला 1.1 का पूरा एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का। सेकेंड वीडियो में आपको मिलेगा 1.2 और 1.3। इस प्रकार से आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी होगी तो इसको अच्छी तरह से दो बार तीन बार वीडियो को देखिए, जहाँ भी डाउट होता है क्लियर होता जाएगा। उसके बाद भी अगर कहीं डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिए। और इसके बाद मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर को भी आप अपना समस्या जो है जोड़े 9210710311, इस पर जो है आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर अपना नाम लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए, जो प्रॉब्लम है लिख दीजिए, मैं सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।